नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम विराम चिन्ह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, क्यों चाहिए, विराम चिन्ह के कारण भाषा में क्या बदलाव आता है, किस तरह से भाषा का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्यों का प्रयोग होता है, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, कैसे रुकना है, ये सभी बातें विराम चिन्ह के कारण ही स्पष्ट होते हैं। विराम चिन्ह अगर नहीं होते तो शायद हमें अच्छी तरह से भाषा सीखने में कभी मदद नहीं मिलती है। तो मदद मिलना है तो उसके लिए हमें विराम चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है। विराम चिन्ह के बिना कौन सी भी भाषा कंप्लीट नहीं कहलाती। अगर भाषा को संपूर्ण बनाना है, पूर्ण बनाना है, तो विराम चिन्हों का होना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। देखिए, भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में अगर आपको रुकना है, कितना रुकना है, ये सभी बताने के लिए कोई ना कोई सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल को ही हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि देखो, रुको मत भागो, यहाँ पर हम अगर बिना कॉमा के इसे बोलेंगे तो उस वाक्य में हमको सही अर्थ नजर नहीं आएगा। अर्थ अगर स्पष्ट करना है तो विराम चिन्हों का प्रयोग होना ही चाहिए। हम देखते हैं कि विराम चिन्हों में बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन भाषा के वृद्धि के कारण हमने उन बहुत सारे प्रकारों को कम करके भाषा के लिए कितना चाहिए, कितनी जरूरत है, उनके हिसाब से हम बहुत ही प्रमुख 11 प्रकारों को देखते हैं। तो विराम चिन्ह में हम प्रमुख 11 प्रकार देखते हैं। देखिए एक एक करके, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो ये हैं उसके प्रमुख 11 प्रकार। और लास्ट में हम देखते हैं कोष्टक चिन्ह, ये हैं उसके 11 प्रकार। इसके अलावा अभी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन वो भाषा के लिए उतनी जरूरत नहीं है। जरूरत के अनुसार हम प्रमुख 11 प्रकारों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। आगे हम जाएंगे, उसका पहला भाग जो है वह है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कब दिया जाता है, वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग, उसका इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, मतलब कहाँ पर आश्चर्य के वाक्य होते हैं, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आते हैं, उन दोनों को छोड़कर बाकी प्रत्येक वाक्य के अंत में हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग होना ही चाहिए। पूर्ण विराम का प्रयोग होता ही है। तो पूर्ण विराम होने के कारण हमें वाक्यों में पढ़ने के लिए, सांस के लिए भी, हमको सांस लेने के लिए भी थोड़ी सी जगह मिलती है। फुल स्टॉप मतलब एटलीस्ट हम लोग 2 सेकंड से 3 सेकंड तो वहां पर अवश्य रुकते हैं। तो रुकने के लिए आपको हर जगह पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, सिर्फ 2 जगह पर छोड़कर। एक है जहां पर आपको बहुत ही आश्चर्य होता है, जहां पर आपको प्रश्न करना पड़ता है। इन 2 जगहों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के एंड में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। जैसे कि देखिए, मैं हर काम समय पर करता हूँ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, तो अंत में हमेशा पूर्ण विराम मिलता है। और एक एग्जांपल, समय पर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो कहाँ पर वाक्य संपूर्ण होता है, पूर्णता के विराम चिन्ह के अनुसार ही उसका हम संकेत देते हैं, इसलिए उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, दोनों कहते हैं इसे। पता आपको, प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर होते हैं सबको पता है। क्वेश्चन मार्क हम कब पूछते हैं, कब, क्यों, कैसे, किसने, किनको, क्यों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के शब्द हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं वाक्यों में, वहां वहां हमको प्रश्न चिन्ह को लगाना ही पड़ता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है, इसका मतलब प्रश्नवाचक का या प्रश्न सूचक का प्रयोग होता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों आए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वह है विस्मय सूचक, मतलब भी सही, भाव सूचक मतलब भी सही, विस्मयादि बोधक मतलब भी सही, सभी का अर्थ एक ही होता है, वह है विस्मय सूचक चिन्ह।
विस्मय सूचक चिन्ह में हम लोग अलग अलग तरह के भावनाओं को देखते हैं, फीलिंग्स को देखते हैं, जहाँ पर बहुत गुस्सा होना, बहुत खुशी होना, या बहुत गुस्से में भगवान को डांटते वक्त, या अपनी दीन स्थिति से प्रार्थना करते वक्त, इन सभी अलग अलग तरह के फीलिंग को जब हम शब्दों में उद्घार करके पुकारते हैं तो वहां पर हम अवश्य विस्मय आदि बोधक चिन्ह का या भाव सूचक का प्रयोग अवश्य करते हैं। देखिए, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारी पसंदीदा कोई सामान सडनली हमारे सामने आ जाता है, या हम बहुत ही दीन स्थिति में पहुंचे जिसके कारण हम भगवान को दोषी मानकर उसको डांटते हैं, है ना, तो ऐसे अलग अलग तरह की फीलिंग्स को हमेशा अपने जीवन में हम रखते हैं, तो उन सभी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए हम इस बोधक का, विस्मय बोधक का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाह, कितना सुंदर ताजमहल है ना बच्चों, हे भगवान ये क्या हो गया, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, हे मैं आज फर्स्ट क्लास में पास हो गया, ऐसे बहुत सारे खुशी के मौके पर, शोक के मौके पर, जब हम विस्मित होते हैं सडनली अगर कमरे में कोई शेर आ गया, अरे बाप रे शेर आ गया करके हम लोग उद्घारित होते हैं ना, उस सभी जगह पर हम लोग विस्मय आदि या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज अपने तीन अलग अलग प्रकारों को अपने देखा। हम आगे बढ़ते हैं, वह है अल्प विराम। अब तक आपने पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक के बारे में सुना था कि कहां कहां वाक्यों में उसका प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा चौथा पार्ट जो है अल्प विराम मतलब कॉमा। सबको बताए जब जब कॉमा देते हैं कहां पर होता है कॉमा देने का, पढ़ते या बोलते समय अगर कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का, इसका मतलब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जब हम बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, सडनली हम लंबे समय तक सांस को रुका कर नहीं बोल सकते, बोलते बोलते कभी कभी रुक जाते हैं, तो उस रुकने को मीनिंगफुल बनाने के लिए ही अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, सूचना है अल्प विराम के प्रयोग के लिए कुछ विशेष सूचना है, ग्रामर में कुछ फार्मूलाज है, कुछ नियम है, क्या है मतलब कब कब हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, पढ़ते वक्त या बोलते वक्त। देखिए, जैसे कि विशेषणों को अलग करने के लिए, वाक्यों को अस्पष्टता से बचाने के लिए, नाम और उपाधि को अलग करने के लिए आदि अलग अलग विशेष शब्दों को डिवाइड करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि रमेश ने कहा मैं कल आऊंगा, तो यहाँ पर कहा के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रुकना है, तो थोड़े रुकने के लिए हमने क्या किया है, अल्प विराम का प्रयोग किया। राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ के पुत्र है, तो नामों को हमने यहाँ पर क्या किया है, अलग किया है, तो ऐसे बनता है अल्प विराम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वहां है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कब होता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना पड़ता है तो वह अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम देते वक्त, पढ़ते या बोलते वक्त रुकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा रुकने की अपेक्षा होती है, आशा रखता है वाक्य, तो वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए, परिश्रम ही जीवन है, लगता तो है कि कंप्लीट सेंटेंस लेकिन नहीं है। कैसे, आलस्य मृत्यु है, तो यहाँ पर दो अलग अलग उद्देश्यों को व्यक्त करते वक्त थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है, तो कहाँ पर वाक्यों का उद्देश्य ज्यादा होता है, अपेक्षा ज्यादा होती है, तब ज्यादातर रुकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, महापुरुष मरते नहीं है वे अमर हो जाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं, दो बहुत ही स्ट्रांग उद्देश्य एक वाक्य में होता है, तो उस उद्देश्य को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है तो अर्धविराम का चिन्ह लगने से वह वाक्य कंप्लीट भी होता है, स्पेशल भी होता है और बहुत ही स्ट्रांग भी लगता है, तब हम ज्यादा रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो आजकल के हम लोग सेपरेट आपको ग्रह कार्य के प्रश्न नहीं दे रहे हैं, आज जितने भी अपने प्रकारों को देखे हैं, जो जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके अलावा आप लोग सेपरेट हर एक पार्ट के लिए तीन तीन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अगली कक्षा में बाकी जितने भी विराम चिन्ह बचे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।